एमएस एक्सेल के अंतर्गत हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे जिस जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो एमएस एक्सेल के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन है कि वर्कबुक और वर्कशीट से क्या समझते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको 2013 वर्जन, 2003, 2007 वर्जन इससे कोई भी रिलेशन नहीं है इसका। तो ये वर्कबुक और वर्कशीट 2003 में भी, 2007 में भी, 2013 में भी, सभी में वर्कबुक और वर्कशीट वही वर्ड इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल के लिए। तो ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए जाता है या वर्कशीट और वर्कबुक में अंतर पूछा जाता है। तो चलिए हम अच्छे से समझ लेते हैं कि वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर क्या होता है। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप जैसे ही एक्सेल को ओपन करते हैं तो एक्सेल की विंडो कुछ इस प्रकार से दिखलाई देती है। इसके बारे में तो आपको मालूम ही होगा, ये विंडो बहुत कुछ आपको एमएस वर्ड की तरह ही दिखलाई दे रही है, जिसमें कि ऊपर सबसे ऊपर जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार कहलाता है, ये टाइटल बार कहलाता है। जैसे एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है, वैसे ही इसमें बुक वन, बुक टू बाई डिफॉल्ट नेम सेव होता है। तो वर्कबुक आपको यहाँ पर दिखलाई देता है और वर्कबुक के अंतर्गत बहुत सारी वर्कशीट होती हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल 2013 में केवल एक वर्कशीट होती है, लेकिन आप 2007, 2003 देख लें, उसमें तीन वर्कशीट ऐड होती थी। इसमें अगर आपको और वर्कशीट ऐड करना है तो आप क्लिक करके वर्कशीट जो है वो ऐड कर सकते हैं, जो कि नीचे टैब में इस प्रकार से बढ़ती जाएंगी। तो वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, वर्कबुक जो है वो कलेक्शन होती है किसका, वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है, वर्कशीट का। आप जितनी वर्कशीट यहाँ पर ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से एमएस एक्सेल में काम करने के लिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के ग्रुप्स को, ये पूरे ये जो पट्टी सी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं रिबिन। रिबिन आपके अलग अलग टैब में जो है वो डिवाइड की गई है और हर टैब के अंतर्गत ऑप्शन के ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिप बोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट, नंबर। इसी तरीके से इंसर्ट टैब के अंतर्गत कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं। ये ग्रुप्स अब में आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा 2007 और 2013 वर्जन में। जैसे आपको होम के अंतर्गत कुछ चेंजेस मिलेंगे, इनसाइट के अंतर्गत चार्ट बनाने के तरीके में चेंजेस मिलेंगे, यहाँ पर जैसे ऑनलाइन पिक्चर ऑप्शन जोड़ दिया गया है, बाकी लगभग बहुत कुछ लगभग 90% वैसा ही दिया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप फाइल टैब में क्लिक करिए तो ये डॉक्यूमेंट, ये आपके वर्कशीट का, आपके वर्कबुक का बैक स्टेज व्यू कहलाएगा, जहाँ पर कि इन्फो ऑप्शन कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया गया है। यहाँ पर प्रिंट करने के तरीके कुछ चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, बाकी लगभग आपका बिल्कुल 2007 की तरह ही है। लेकिन 2013 इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं तो काफ़ी अच्छा लगा, तो आप 2013 में भी स्विच कर सकते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपसे 2007 भी बनता है। तो यहाँ पर हमको देखना था वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने बताया भी कि वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, और वर्कशीट क्या कहलाती है, वर्कशीट आपका यहाँ पर एक्सेल में काम करने के लिए वर्कशीट दी होती है जो कि कॉलम में और रो में डिवाइड होती है। तो कॉलम और रो का कलेक्शन क्या कहलाती है, वर्कशीट। तो वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, और रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेल। हर एक सेल का एक सेल रेंज होता है, हर एक सेल की एक एड्रेस होता है जिसको सेल एड्रेस बोलते हैं, और ये दिखलाई देता है यहाँ पर आपके नेम बॉक्स में। जैसे इसका सेल एड्रेस क्या है, सी नंबर का कॉलम, 15 नंबर की रो, तो ये कहाँ पर दिखलाई दे रहा है, C15 यहाँ पर नेम बॉक्स में दिखलाई दे रहा है। देखिए कहीं पर भी हम किसी भी सेल में कर्सर लेके जा रहे हैं तो ये H नंबर का कॉलम, 16 नंबर की रो, ये यहाँ पर दिखला रहा है नेम बॉक्स में S16, ये दिखला रहा है आपका D15। तो कहीं भी कर्सर लेकर जाएंगे तो सेल का एड्रेस जो है वो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। इसी के द्वारा ही हम कहीं पर भी कैलकुलेशन जो है कर पाते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करके दिखलाया था। तो वर्कशीट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, और वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। एक्सेल में वर्कशीट को आप ऐड कर सकते हैं, वर्कशीट में आप अलग अलग प्रकार का डेटा भर के उसको कैटेगरी में बांटने के लिए इसका आप अलग अलग नाम दे सकते हैं। ये देखिए राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसका नाम दे सकते हैं। वर्कशीट में आपको अगर वर्कशीट को डिलीट करना है तो वर्कशीट को आप डिलीट कर सकते हैं। नई वर्कशीट ऐड करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट में क्लिक करके और वर्कशीट यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, या प्लस में क्लिक करते हुए वर्कशीट को ऐड किया जा सकता है। वर्कशीट में आप राइट क्लिक करके इनका अलग अलग कलर दे सकते हैं। अगर आप वर्कशीट को डिलीट करना चाहें तो राइट क्लिक करेंगे और यहां से वर्कशीट को आप डिलीट कर सकते हैं। वर्कशीट को इसी तरीके से आप मूव और कॉपी कर सकते हैं तो सेम इसका डेटा एक बार और आ जाएगा। ये वर्कशीट से रिलेटेड कार्य होते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी यहाँ पर जो भी हम कार्य करते हैं और उसको सेव करते हैं तो वो किसके रूप में सेव होता है, वर्कबुक के रूप में सेव होता है। तो जब वर्कबुक को हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर की सभी वर्कशीट दिखलाई देती हैं। एक वर्कबुक के अंतर्गत सारी वर्कशीट होती हैं, और वर्कशीट के अंतर्गत हम जो है कार्य करते हैं, जो भी हमको डेटा तैयार करना होता है, जो भी हमको चार्ट बनाना होता है, सब हम
वर्कशीट के अंतर्गत जो है तैयार करते हैं, और वर्कशीट के अंतर्गत ही हम फॉर्मूले या फंक्शन को लगाते हैं, जैसे कि अभी हमने इस एग्जांपल में जो है लगाया था कि, और ये कहलाती है एक्सेल की फार्मूला बार या फंक्शन बार, जहाँ पर कि जो भी हम फंक्शन या फार्मूला लगाते हैं तो वो हमको कहाँ पर दिखलाई देते हैं, फार्मूला बार में दिखलाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, वर्कशीट के अंतर्गत आती हैं। जब हमको प्रिंट करना होता है तो हम पूरी वर्कबुक को भी प्रिंट कर सकते हैं, या जो एक्टिव वर्कशीट है उसको भी हम प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए आपको फाइल में जाना है, यहाँ से प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करना है, तो आप देख सकते हैं प्रिंट एक्टिव वर्कशीट या प्रिंट एंटायर वर्कबुक। अगर प्रिंट एंटायर वर्कबुक में क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 जितनी भी वर्कशीट हैं सारी प्रिंट होंगी। लेकिन यदि यहाँ से आप एक्टिव वर्कशीट में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी केवल जिस वर्कशीट में आप कार्य कर रहे हैं, जिसमें आपका डेटा है, केवल वही प्रिंट होगी। तो वर्कशीट और वर्कबुक क्या कहलाता है, ये हमारा क्वेश्चन था। उसके अंतर्गत हमने समझा कि वर्कशीट क्या कहलाती है एक्सेल में, और वर्कबुक क्या कहलाती है।